वेलकम टू यू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, कुछ काम है और अभी मैं बस स्टैंड की जानब जा रहा हूँ जहाँ से मैं इस्लामाबाद के लिए बस में रवाना होऊंगा। गाड़ी के ड्राइवर ने फुल ऊंची आवाज़ में पंजाबी गाना लगाया हुआ था। पंजाबी की मुझे वैसी कोई इतनी खास समझ नहीं है, बस मैं इधर उधर देख कर अपना टाइम पास कर रहा था ताकि बस स्टैंड आए और मैं निकलूँ। तो कुछ ही देर में मैं बस स्टैंड पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं टिकट लेके बस में बैठ जाऊँगा इस्लामाबाद जाने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो मैं टिकट लेके बस में बैठ गया और तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही बस जो है अब इस्लामाबाद के लिए चल पड़ी। बस मोटरवे की तरफ से जा रही थी, खाली जगह देख देख के ना मेरा सर घूमने लग गया था। One hour later. मैं कुछ देर के लिए बस में सो गया था, जब उठा तो देखा बस ने एक जगह पे स्टॉप किया हुआ है। बस से बाहर निकलूं या ना निकलूं अभी इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाया था कि बस जो है दोबारा अपने ट्रैक पर आ गई। बोरियत से कैसे निकला जाए, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने बस के टैप का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। हॉलीवुड मूवीज़ को सिलेक्ट किया तो उसके अंदर भी कुछ इतना ख़ास नहीं था और बॉलीवुड के मूवीज़ में भी कोई ख़ास उन्होंने डाली नहीं हुई थी कोई मूवी, और जो डबिंग मूवी थी उसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो फिर मैंने एट द एंड गेम खेलने का फ़ैसला किया। तो गेम स्टार्ट होने के बाद मैंने गेम का लेवल जो है सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने हिट कर ही दिया था सबको, बट किस्मत ने इतना साथ नहीं दिया। बट आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन लेवल जो है मेरे से ये पार नहीं हो सका। Two hours later. तो इस्लामाबाद में बस से उतरने के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ अपने होटल में स्टे करने के लिए चला गया। A few moments later. तो फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच गया हूँ एक लंबे सफ़र के बाद। बहुत मज़ा आया यार सफ़र में। तो बैग से मैं फिर अपना जो सामान लेकर आया था उसको मैं निकाल के कबड़ में रख देता हूँ ताकि बैग का जो वज़न है उसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ। तो भूख बहुत लगी हुई थी, खाने वगैरह को ऑर्डर किया था जो आ गया। तो अब मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ और मेरा सर जो है बिल्कुल चकरा रहा है। खाना वगैरह खा लिया तो अब मैं ज़रा आराम कर। फाइनली डे टू हैज़ बिगिन और इस वक्त जो है 10:15 के करीब टाइम हो चुका है। मेरा नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में वही है, ब्रेड है, चाय है, मक्खन है और फ्राइड एग है। तो नाश्ता करके जहाँ काम के लिए जाना है वहाँ चलता हूँ और फिर वापसी पर आकर मेरा एक दो फिरने का भी प्लान है। इस फैसल मस्जिद जाने का प्लान है, शक्करपड़ियाँ, रावल डैम देखने का बहुत शौक है। तो नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। टू आवर्स लेटर। बस जिधर आसानी लगे वहीं था। धूप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और मार्बल का फर्श होने की वजह से पांव जो है मेरे जलने लग गए थे। तो मैं ज़्यादा देर धूप में खड़ा नहीं हुआ और साइड पे ज़रा छांव में जाकर मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गया था। बहुत प्यारा मंदिर है, पहाड़ों के दरमियान मस्जिद। जो लोग पहले विज़िट कर चुके वो जानते हैं कि यहाँ पर खूबसूरती क्या है। फैसल मस्जिद से बाहर का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ग्रीनरी और आसपास माउंटेन्स, बड़े बड़े, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। बहुत अट्रैक्टफुल जो थी सीनरी का मंदिर, गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो यार ये फैसल मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा आप में से बहुत से लोगों को पता है, जैसा कि नहीं पता आप लोगों को। फिलहाल सूरत है ये मस्जिद बहुत ज़्यादा। One hour later. तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया है। अभी और भी जगह जाने का प्लान था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है शाम हो रही है तो वापस जो है होटल चलते हैं और जाके मैच भी देखते हैं और खाना खाते हैं। भूख लगी हुई है मुझे काफ़ी, सुबह का नाश्ता किया है। तो बाइक वाले को बुलाता हूँ और वापस उधर होटल चलते हैं। फाइनली डे थ्री हैज़ बिगिन और इस वक्त जो है कॉम्प्लीमेंट्री चाय मंगवाई है मैंने और आज बहुत सा काम करने वाला है। सुबह मैं ऑफिस पहले गया था जहाँ पे काम करना था और
अब जुम्मे के टाइम होने वाला है तो चाय पी के जुम्मा पढ़ने जाते हैं। फिर एक दो और जगह जो है वो सैर करने के लिए जाना था, तो प्लान तो यही है कि टाइम से चला जाऊँ और टाइम से वापस भी आ जाऊँ, क्योंकि कल फिर मुझे वापस भी निकलना है। तो चाय पीता हूँ तो फिर जुम्मा पढ़ने के लिए जाता हूँ। ये है यार पाकिस्तान मोनूमेंट, ये भी शक्करबरिया में या म्यूज़ियम है, और ये है गंदारा। सो मी विद मोहम्मद बिन कासिम, और ये है शेरशाह सूरी, ये वाला। और मी विद महमूद गजनवी भी, और ये है अल्लामा इकबाल का जामे मस्जिद करतबा में बनाया गया एक मंजर। इकबाल का घर, और ये तकरीर करते हुए उनको दिखाया गया है। और ये है अल्लामा इकबाल के घर में इस्तेमाल होने वाला पंखा, उनके जूते और उनकी पोइट्री का जो सामान है वो है। ये क्या है, कोई खत वगैरह, उनकी हैंड राइटिंग। ये है उनका विक्टोरिया टाइप सोफा, हुक्का। ये है बहुत सदारत, और ये है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेक्शन। यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट वॉर के दरमियान लड़ाई का मंजर पेश किया गया है। और ये हैं आपके और हम सब के फेवरेट, क्या नाम है यार इसका, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी का क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान। हाँ, 1 hour later ये है इस्लामाबाद का टॉप व्यू शक्करबड़िया से, जहाँ पे एक तरफ सेंचुरस मॉल है, दूसरी तरफ पहाड़। अगर मैं रूम करके दिखा सकूँ तो हाँ, देखने लायक जगह। एक दो दिन में शायद इसकी सैर मुमकिन ना हो। 1 hour later तो धूप बहुत तेज है, अभी 4 बजे होने हैं। वापस चलते, बाइक वाले को मैंने खड़ा किया हुआ था कि मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो घंटा के लग गया। चलो वापस चलता हूँ मैं। फाइनली पहुँच ही गया घर, इतनी लेट है। एसी चला यार।